क्लास 12 के हमारे जो बच्चे हैं उनका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए आप सबको पता है आपका चैप्टर नंबर चल रहा है 15। आज उसका लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम आपको लेक्चर 1 में हमने पूरा नाभिक के बारे में पढ़ा था, आज हम लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाभिक की त्रिज्या। क्वेश्चन यहाँ से आता है नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो नाभिक की त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे ये हमें समझना है। इतना ही ध्यान रखो नाभिक की त्रिज्या आर जो होती है वो समानुपाती होती है ए की पावर 1/3 के। आज वैसे मैं 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आयतन और नाभिक का घनत्व। सबसे पहले हम नाभिक की त्रिज्या पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आर समानुपाती ए की पावर 1/3, और पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, ए होती है द्रव्यमान संख्या, मैं बता चुका हूँ जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या होती है। आर समानुपाती ए, समानुपाती हटाते हैं बच्चा पार्टी क्या आता है कांस्टेंट आता है एक आर जीरो, और यहाँ ये जो आर जीरो होता है बेटा वो होता है 1.1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर का मतलब 10^-15 मीटर, 1.1 गुणा 10^-15 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 फर्मी, इसको 1.1 फर्मी भी लिख सकते हैं, ये होता है। तो यानी कि आपको कोई भी पूछे त्रिज्या ज्ञात करो बहुत आसान है, आर जीरो ए की पावर 1/3 आपको रख देना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कहते 4 Be 8 की त्रिज्या ज्ञात करो, 4 Be 8 की त्रिज्या या रेडियस ज्ञात करो, बहुत आसान है। ए की वैल्यू कितनी है 8 है, ये देखो ये लिखी हुई Be 8। आर इज इक्वल टू आर जीरो ए की पावर 1/3, 8^3, और 8^3 क्या होता है आप लिख सकते हो 2^3, 8 को 2 × 4 × 8 पावर 1/3, 3 × 3 कैंसिल, आर आ गया 2R0, और आर जीरो आपको पता है 1.1 फेम्टोमीटर, तो आर आ जाएगा 2.2 फेम्टोमीटर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक और तरीके का क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लेते हैं जो आपको माइंड में ध्यान रखना है, एक और तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, फार्मूला बस याद रखो R इज इक्वल टू आर जीरो ए की पावर 1/3। बस वो कहता कि अगर दो मेरे पास कोई भी न्यूक्लियस हैं, दो नाभिक हैं, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात A1 अनुपात A2 जो है वो 1:8 है, ओके। वो कहता आप R1 अनुपात R2 ज्ञात करो, और ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है RBSE बोर्ड में। तो कुछ नहीं करना आपको, R है R के दो हिस्से बना लो, पहला तो R1 बराबर R0 A1 की पावर 1/3, ओके, दूसरा R2 बराबर R0 A2 की पावर 1/3, दोनों को भाग दे दो, R1/R2 बराबर R0 A1 की पावर 1/3, R0 A2 की पावर 1/3, R0 से R0 कैंसिल, A1/A2 की पावर 1/3, और A1/A2 1/8 है, 1/8 की पावर 1/3, और 1/2 रह जाएगा ये। तो क्या अनुपात आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 1:2 आ गया। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, 1:2 आ गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे आयतन और घनत्व के बारे में। नमस्कार बच्चों, आपका 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 15 चल रहा था जिसमें हम नाभिक के बारे में पूरा स्टडी कर रहे थे। एक टॉपिक जो है वो अपने एक लेक्चर उसका पूरा हो गया, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है, आज अपने को दूसरा टॉपिक उसका पढ़ना है जिसमें अपने बात करेंगे। आज जनरली दूसरे लेक्चर में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, पहले में नाभिक का आयतन निकालेंगे और दूसरे में निकालेंगे नाभिक का घनत्व। मेन तो देखिए ये दो ही टॉपिक हैं, 3 टॉपिक मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब तक आपको एक टॉपिक जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो नहीं आ रहा तब तक आपको ये दोनों टॉपिक समझ नहीं आएंगे।
तो वो जो तीसरा टॉपिक था उसके अंदर जो आपने कल स्टडी किया था, R बराबर आर जीरो ए की पावर एक बटा तीन, ये नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ही आसान सूत्र है। आर जीरो आपको पता है बेटा 1.1 फेमटोमीटर होता है या 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ज्ञात करनी हो R की वैल्यू तो कुछ नहीं करना, R जीरो की वैल्यू इसमें पुट करो और A का मान रखो। जैसे कोई कह दे 92 यूरेनियम 238 है, उसके लिए त्रिज्या ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर A की जगह 238 रख दोगे। अब मुझे आयतन ज्ञात करना है नाभिक का, तो इतना ध्यान रखो कि नाभिक जो होता है उसको हम स्फेरिकल या गोल मानते हैं, तो नाभिक को गोलाकार मानते हैं, तो गोलाकार मानते हैं उसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर है तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम आर की, आर जीरो, आर को लिखेंगे आर जीरो ए की पावर 1/3, उसकी पावर 3 कर दीजिए, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, आयतन क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर जीरो की पावर 3 और ए की पावर 1/3 की पावर 3 ए ही बच जाएगा, या आप कह सकते हो आयतन नाभिक का द्रव्यमान संख्या के समानुपाती है। क्योंकि यहाँ से क्लियर हो गया कि R को जब रखा ये चीज़ तो R जीरो की पावर 3 भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, ओनली A पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो नाभिक का आयतन होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है और ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाभिक का घनत्व, 2014 RBSE बोर्ड के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि नाभिक का घनत्व बताओ, उन्होंने कहा सिद्ध करो नाभिक का घनत्व चाहे हाइड्रोजन है, चाहे यूरेनियम है, चाहे हीलियम, कोई भी नाभिक है छोटे से लेके बड़ा, सभी नाभिकों के लिए नाभिक का घनत्व जो होता है वो एक जैसा होता है, ये प्रूफ करो। तो देखिए घनत्व क्या होता है, डी से लिखेंगे घनत्व को, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान देखिए नाभिक का मापते हैं AMU के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और एक AMU जो होता है एक परमाणवीय द्रव्यमान मात्रक, ये परमाणवीय द्रव्यमान मात्रक जो होता है एक AMU, इसका मान होता है 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये भी हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो एक AMU इतना होता है, तो नाभिक का द्रव्यमान इन आपको किलोग्राम में फाइंड करना है, वो दिया होगा AMU में, बटे आयतन, आयतन मुझे पता है ये रहा 4/3 पाई आर जीरो की पावर 3 ए, ये आयतन है इसका, ऊपर द्रव्यमान रख दीजिए ए। अब ये ए तो AMU में होता है तो इसको किलो में बदलोगे तो 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 का कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये ए आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 बटे 4 गुणा 4 पाई आर जीरो क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14, आर जीरो की वैल्यू 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 15 की पावर 3, माइनस 45 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे 2.17 गुणा 10 की पावर आपके पास आ जाएगा प्लस का 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। चाहे आपके पास हाइड्रोजन है, चाहे हीलियम है, चाहे लिथियम है, चाहे यूरेनियम है, थोरियम है, रूबीडियम, जो भी आपके पास दिया हुआ है, हर एक परमाणु, हर एक नाभिक के लिए उसका घनत्व एक फिक्स वैल्यू होती है और उसका घनत्व जो होता है फिक्स वो इतना ही होता है 2.17 गुणा 10 की पावर 17। इससे मुझे प्रूफ हो गया कि नाभिक का घनत्व जो होता है वो नियत होता है, बाकी कैलकुलेशन करके देखना इतना ही आएगा ऑलमोस्ट, ये कई जगह 2.45 भी लिखा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाभिक का घनत्व कांस्टेंट आता है और ये नाभिक का आयतन हो गया। तो आज अपने क्या किया है, दो ही टॉपिक स्टडी किए हैं, जनरली तीन कह सकते हैं, तीसरा टॉपिक ये जो वैल्यू आर इज इक्वल टू आर जीरो ए की पावर 1/3 आपको ध्यान में रखनी है, ये हम पिछले लेक्चर में पूरा स्टडी कर चुके हैं। और AMU जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, एक AMU 1.66 गुणा 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान AMU में 1.0087 AMU होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU में 1.0078 AMU होता है, ये अपने पास क्या होता है,
पूरा इसका कंप्लीट हो जाता है आपका ये टॉपिक। तो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।